यहाँ से ब्रो आप देख रहे हो आपका अपना सही गेम ऑडिटर। दोस्तों आज हम फिर से एक ब्रेंड न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारे जो वीडियो के अंदर टॉपिक है कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल मोड्स मेन्यू इन GTA 5। तो आज हम GTA 5 के अंदर मोड्स मेन्यू कुछ करेंगे, यानी जैसे इस पे कुछ 5 होते हैं और भी बहुत सारे मोड्स मेन्यू होते हैं, जैसे ट्रेनर कोई हो गया और कोई कार्स मोड हो गए या ऐसा कुछ हो गए। अभी हम कार्स मोड या ये नहीं करेंगे, अभी हम खाली मोड मेन्यू करेंगे जिसके अंदर पूरा एक मेन्यू होता है और आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। जैसे कार्स स्पॉन कर सकते हो और अपने बंदे को चेंज कर सकते हो बिल्कुल ही, और कपड़े बदल सकते हो और बहुत सारे पैसे लेके आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वह उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक अदर आपको एक गूगल क्रोम चाहिए होगा, क्योंकि ब्राउज़र से आप न जब चीज़ें डाउनलोड करोगे तब तो आपको ब्राउज़र चाहिए होगा ना, तो आपको एक एक गूगल क्रोम चाहिए होगा। आप कोई भी ब्राउज़र तो भी चलेगा, यूसी ब्राउज़र हो या गूगल क्रोम हो, कोई भी होगा ना चल जाएगा। अभी आप मेरे पास गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम यूज़ करूँगा। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लिंक्स दी हुई हैं, वो 3 लिंक्स ये हैं। एक ये है सिंपल ट्रेनर ऑफ GTA 5, और एक मैन्यूम PC सिंगल प्लेयर ट्रेनर मोड, और ये स्पेक हुक 5 नेगेटिव ट्रेनर। तो ये 3 लिंक्स को मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आके इस पेज पर आ जाएंगे। सही है, अब आपको क्या करना है ना, अब जैसे ये है सिंपल ट्रेनर ऑफ GTA 5, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप पर कुछ पेज ऑन होगा ये वाला, फिर जैसे ऑन होगा तो आपको फिर से यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग जो स्टार्ट होने लग जाएगी। ये देखें दोस्तों हो चुकी है पहले से ही। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये भी वही मेथड है, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक किया। और लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके किसी और वेबसाइट चले जाते हैं, तो इसको कट मत कीजिएगा, ये कोई एड वेड नहीं है, ये रियली वेबसाइट है। यहाँ पर ही हमें मिलेगा इसका सेटअप। तो यहाँ पर आप ये फर्स्ट वाला लिंक देख रहे हैं ना, 4.98 MB, ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होना लग जाएगी। तो इसको करने देते हैं, बाकी इस पे 5 पे आते हैं। यहाँ पर आपको यही करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये फिर से न्यू पेज ऑन होगा इस पे 5 का। आपको वर्जन देख लेना है, आपका वर्जन सपोर्टेड है कि नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे देखते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पर एक शॉर्टकट लगा देना है अपने GTA 5 फोल्डर का, ताकि आप जल्दी से जा पाओ अपने GTA 5 फोल्डर के अंदर। और उसके बाद GTA 5 जो लिखा होगा ना उस पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल्स है ना उस पर जाके आप ये वर्जन देख सकते हैं, मेरा है 1.0.2060.0। तो ये वर्जन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये गेम का वर्जन है, कोई इस GTA 5 एप्लीकेशन का नहीं है, गेम का है पूरे का। तो मेरे पास तो लेटेस्ट वर्जन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे पास वर्किंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरे पास तो वर्क करेगा, लेकिन आपके पास वर्क करता नहीं करता ये डिपेंड करता है आप पे, आपके पास कौन सा वर्जन है। तो मेरे पास यही है, देखें बिल्कुल वही आ रहा है जो मेरा अभी है। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और हो भी चुकी है, क्योंकि MB की होती हैं, MB की जल्दी हो जाती हैं, आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से बताएगा कि कितनी देर लगती है इनको। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे आपको क्या करना है, जैसे जैसे हो जाए ना तो डाउनलोड्स के अंदर जाके शो इन फोल्डर के जैसे जाएंगे ना आपका ये फोल्डर खुल जाएगा ये पूरा। तो आप क्या करें, अगर आपको नहीं पता कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, इस पे कोई 5 पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर आपकी GTA 5 है ना उस फोल्डर के अंदर जाके उस अंदर जाना है उस फोल्डर के अंदर, जैसे ये रहा मेरा शॉर्टकट बना हुआ वैसे ही। तो मैं इसे GTA 5 ऑन करूँगा और यहाँ पर बिन के अंदर जाके आपको एक ये शिफ्ट दबा के एक ये और एक ये वेट 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 कंट्रोल दबा के एक ये और एक ये दोनों ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं इस GTA 5 फोल्डर के अंदर। ये मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपको कोई और सा ट्रेनर करना है तो उसके लिए, क्योंकि इस पे के अंदर एक इस पे वो 5.dell आता है और एक डी इनपुट 8.dell आता है और एक नेगेटिव ट्रेनर आता है जो आपके पास जो आपको ट्रेनर प्रोवाइड करता है।
लेकिन अगर आपको कोई और सा ट्रेनर करना है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो और मालूमात भी हो, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक मत कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा यहाँ पर, और रिप्लेस द फाइल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपका पेज हुआ होगा तो आपसे बोलेगा, तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा। इस सब कुछ करने के बाद आपको ये कार्ड देना है, फिर से जाना है फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर MENUYOOSP जो है मेन्यूम सिंगल प्लेयर, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक ये रीड में एक पूरी टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा और लाइसेंस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा एक। तो अगर फिर आपको क्या करना है, ये पूरा फोल्डर वहाँ जाके पेस्ट कर देना है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके GTA 5 फोल्डर के अंदर, एक ये कर देना है। एक ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना है उसी मेन मेन वोम SP फाइल के अंदर, और ये जो है फर्स्ट मैनुअम ASI, तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा यहाँ पर। और बाकी कुछ नहीं करना। अभी आपको दूसरी फाइल जो है वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो अभी ये Trainer 5 जो मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आपको कोई और ट्रेनर करना हो तो उसके लिए ट्रेनर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर यही चलता है आजकल, हर किसी के पास यही ट्रेनर है, तो मैं यही करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही कीजिएगा, बहुत इजी और अच्छा ट्रेनर है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं पूरे को। तो ये दोस्तों हमने पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है सबको, अब सब काम हो चुके हैं, अभी हमें गेम स्टार्ट करना है। तो दोस्तों जब गेम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने गेम प्ले के अंदर, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो एक्टिव करने के लिए हमें F3 दबाना पड़ेगा, जो ट्रेनर था हमने किया था, तो उसके लिए हमें F3 दबाना पड़ेगा। देखें आप जैसे देख सकते हैं, ये रहा ट्रेनर मेन मेन्यू। तो अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आप नम लॉक के अंदर जो कीज़ होती है ना नंबरिंग वाली, तो उसके अंदर आपको 8 दबाना पड़ेगा, जिससे आपका ऊपर होगा यानी अप होगा, और अगर आपको नीचे जाना है यानी डाउन जाना है, उसके लिए आपको 2 दबाना पड़ेगा जिससे डाउन होगा। और अगर आपको किसी पे क्लिक करना है यानी इस ऑप्शन के अंदर मुझे जाना है, तो उसके लिए आपको 5 दबाना पड़ेगा, बीच का बटन जो है 5। जैसे 5 आप प्रेस करेंगे, आप यहाँ उस चीज़ के अंदर आप खुल जाएगी वो चीज़। जैसे मैंने अभी ऑप्शन मेन्यू नंबर 1 ओपन किया है, तो यहाँ का इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, मैं अभी किसी को एक्टिव नहीं करूँगा, खाली अभी आपको बता देता हूँ कि एड मनी कैसे करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एड मनी 1 मिलियन आई थिंक इसने कुछ है पैसे ये, तो इस पर मैं जैसे ही 5 दबाऊँगा ना तो ऐड हो जाएंगे मेरे पास अपने आप। तो अभी ये है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास व्हीकल्स ऑप्शन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर हमारे पास व्हीकल हो तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कुछ जो चीज़ है ये मैं आगे आपको वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा बताऊँगा। और बॉडीगार्ड पैड भी हम स्पॉन कर सकते हैं, व्हीकल स्पॉनिंग कर सकते हैं, मिशन हेल्प मिशन, मतलब कोई मिशन हमें नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, तो हम मिशन हेल्प के ज़रिए हम मिशन अच्छा तरीके से कर सकते हैं, वरना हम गॉड मोड लगा के तो वैसे ही कर सकते हैं, कोई हमें मार पाएगा नहीं। ऑब्जेक्ट स्पॉनिंग भी है, टेलीपोर्टिंग भी है, टेलीपोर्ट यानी कहीं हम टेलीपोर्ट भी हो जाएंगे एकदम से, टाइम, वेपन्स, वेदर। तो अभी मैं आपको ये ट्रेनर हो गया, अभी मैंने एक और मोड किया था जिसका नाम था वो जो एक्टिव होता है वो होता है F8 से, मैन्यूम जिसका मोड का नाम है। तो ये भी वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, यानी इसके अंदर थोड़े और ज़्यादा फ्यूचर आ जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों ही यूज़ किया करें, क्योंकि दोनों ही काम आने वाले हैं आपके पास। अगर आप GTA 5 चलाते हो तो आपको पता होगा कि ना यूट्यूबर ज़्यादातर ये दोनों ही मोड्स यूज़ करते हैं, तो मैं भी यही दोनों मोड्स यूज़ करता हूँ आजकल। तो देखें, ये माय प्लेयर का जो मेरा नाम है वो है, प्लेयर ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ही चीज़ें आ जाती हैं, और वॉइस चेंजर भी है इसके अंदर, व्हीकल्स ऑप्शन भी हैं बहुत ज़्यादा, और टेलीपोर्ट ऑप्शन भी है। और दोस्तों इसको कंट्रोल करने की वही तरीका जो मैंने आपको समझाया था वही है, बस लेफ़्ट राइट नहीं होता, और बाकी तो सब होता है ऊपर नीचे, और जो अगर चीज़ पे जाना है हमें क्लिक करना है तो उसके लिए 5 दबाना पड़ेगा, जो आपको पता है मैंने बता दिया है। तो ये गाइस, दैट इज़ फॉर टुडे।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। अगर कोई आपके पास कोई दिल में सवाल है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं वहाँ पर, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी गेमिंग की रिलेटेड और GTA 5 के रिलेटेड, मोड्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो फ्यूचर के अंदर, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर जल्दी आ पाए। तो मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।